किसान साथियों, मेरा नाम है मोहित सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 46 कंपनी का 4215 ट्रैक्टर। ये जो ट्रैक्टर है 43 हॉर्स पावर की फुल पावर के साथ में आता है, ई सीरीज का ये ट्रैक्टर है। क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं प्लस प्राइस क्या रहने वाला है उसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले बात करी जाए ओवरऑल इसके डिज़ाइन और लुक की, तो फ्रंट लुक आप चेक करें यहाँ पे इस ट्रैक्टर के अंदर फुली डायनेमिक रेंज के साथ में इसका जो डिज़ाइन है आपको देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, जो असेंबली है 4 प्रोजेक्टर हेडलैम्प की यहाँ पे दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी के साथ में रात के समय आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ में साइड में DRL यूनिट दी गई है, जो कि दिखने में काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पे ट्रैक्टर को बना देती है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर जो कूलिंग सिस्टम दिया गया है इंजन को ठंडा रखने के लिए, 6 जगह से एयर सर्कुलेशन की जगह दी गई है, जो कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाली है और लंबे समय तक इंजन जो है गर्म नहीं रहेगा। एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर तक, यहाँ पर इंजन तक जो है पहुँचता है। उसके बाद फ्रंट में आप चेक करें यहाँ पर 55 किलो का वेट कैरियर दिया गया है, जो कि ट्रैक्टर को आगे से उठने यहाँ पे नहीं देता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर जो फ्रंट एक्सल दिया गया है नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल, इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा किसान साथियों, साइड प्रोफाइल से बात करी जाए तो यहाँ पे आप ट्रैक्टर का साइड प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। 4215 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, उसके साथ साथ में ई सीरीज के अंदर ये ट्रैक्टर आता है, जो कि ई सीरीज की ब्रांडिंग इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा किसान साथियों, ये जो ट्रैक्टर है जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो सबसे पहले इसके बोनट का डिज़ाइन आप चेक करें। सिंगल पीस फुट के साथ में इसका जो बोनट है आपको देखने को मिल जाता है। एक बटन की सहायता से आसानी से जो है इसे बोनट को ऊपर की तरफ आप जो है खोल सकते हैं। खोलने और बंद करने में किसी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी। डुअल गैस स्ट्रट्स इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाली है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर जो सर्विस वगैरह आप कर रहे हैं, किसी प्रकार की अगर मेंटेनेंस वगैरह आपको करना है, तो काफ़ी वाइडर लुक के साथ में इसका जो बोनट है ऊपर की तरफ खुलता है, समस्या आपको किसी प्रकार की नहीं आने वाली है। बैटरी का स्थान आगे की तरफ यहाँ पे रखा गया है, जो कि इसके फ्रंट चूल्हे के अंदर असेंबली यहाँ पे तैयार करी गई है। इसको बैटरी को यहीं पे फिक्स कर दिया गया है, जो कि एक वेट का भी यहाँ पे कार्य करती है। उसके बाद इस ट्रैक्टर के अंदर जो एयर क्लीनर दिया गया है, ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट के साथ में आने वाला एयर क्लीनर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। साइड में आप चेक करें यहाँ पे क्लोगिंग सेंसर भी दिया गया है। बाई चांस अगर इसका जो एयर क्लीनर है चौक हो जाता है, उसका जो संकेत है मीटर कंसोल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में किसान साथी, इस ट्रैक्टर के अंदर जो कूलिंग सिस्टम दिया गया है, कार वाला ही कूलिंग सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलेगा। कूलेंट कूल विद रिजर्वायर के साथ में इसका जो कूलिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। अलग से रिकवरी यहाँ पे बोतल भी देखने को मिलेगी, जो कि रिजर्वायर के साथ में यहाँ पे जो है आती है। उसके बाद साइड प्रोफाइल से आप चेक कर सकते हैं इसे ट्रैक्टर के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे तो जो हाइड्रोलिक की ऑयल की सप्लाई है उसके लिए अलग से यहाँ पे सेपरेट पंप दिया गया है, और जो पावर स्टीयरिंग की ऑयल की सप्लाई है उसके लिए भी अलग से यहाँ पे सेपरेट पंप इसमें आपको देखने को मिल जाता है। जो साइलेंसर है उसका अगर साइज आप चेक करें तो काफ़ी सिगार टाइप का साइलेंसर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी पतले साइज में इसका जो साइलेंसर है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा किसान साथियों, इंजन की अगर बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी जो है 43 हॉर्स पावर की फुल पावर वाला इंजन प्रदान करती है, जो कि 3 सिलेंडर की पावर के साथ में आता है। टॉर्क की बात करी जाए तो 196 Nm का टॉर्क इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि माइकोबोस्ट कंपनी के डीजल पंप के साथ में आता है। माइकोबोस्ट कंपनी का एलाइन पंप जो है इसमें काफ़ी मक्खन जो है इसका जो डीजल की सप्लाई यहाँ पे करता है, प्लस लो मेंटेनेंस ये जो है पंप माना जाता है। किसी प्रकार की एक्स्ट्रा जो समस्या इस पंप के अंदर जो है नहीं आती है। उसके अलावा जो पावर स्टीयरिंग है, इसकी ऑयल की सप्लाई के लिए सेपरेट कंटेनर इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि पावर स्टीयरिंग की ऑयल की सप्लाई जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ में इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पे वाटर सेपरेटर भी दिया गया है, जो कि डीजल के अंदर पानी की मात्रा जाती है उसको बाहर निकालने का यहाँ पे कार्य करता है। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी जो है सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग प्रदान करती है, जो कि बैलेंसिंग रोड के साथ में यहाँ पे आता है। उसके अलावा किसान साथियों, उसे ट्रैक्टर के डीजल टैंक की बात करी जाए तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ट्रैक्टर के अंदर जो डीजल टैंक दिया गया है फुली मेटल बॉडी के साथ में आता है, और जो कैपेसिटी है 65 लीटर की कैपेसिटी के साथ में इसका जो डीजल टैंक है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की, तो फुली फ्लैट प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर का आपको देखने को मिलेगा। बीच में ट्रांसमिशन हीट को रोकने के लिए अलग से यहाँ पे गार्ड भी कंपनी ने प्रदान किया है, जो कि किसान भाइयों के लिए काफ़ी एक कंफर्टेबल राइड जो इस ट्रैक्टर की रहने वाली है। उसके साथ साथ में ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए सिंगल फुटस्टेप यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा किसान साथियों, प्लेटफॉर्म आप चेक कर सकते हैं, फुली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में इसका जो डिज़ाइन है सीट का आपको देखने को मिल जाता है। जो इस ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है फुली फ्लैट प्लस
फुल्ली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा जो इस ट्रैक्टर के अंदर सीट दी गई है, काफ़ी डिलक्स सीट के साथ में ट्रैक्टर आता है। सबसे पहले मीटर कंसोल की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप चेक करें जो मीटर कंसोल है, डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर इसमें दिया गया है। बीच में आरपीएम मीटर देखने को मिल जाते हैं, साइड में छोटी सी एमआईडी स्क्रीन दी गई है, यहाँ पे ट्रैक्टर के घंटे चेक कर सकते हैं, टाइम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा डीजल कितना है वो आप चेक कर सकते हैं, इंजन का टेम्परेचर कितना है वो आसानी से आप जो है चेक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मीटर कंसोल काफ़ी यूनिक कार की तकनीकी वाली इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद ट्रैक्टर के टर्निंग रेडियस प्लस इंजन साउंड की अगर बात करी जाए, उसके बाद दोस्तों बात आती है इस ट्रैक्टर के गियर स्पीड की। तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी जो है 10 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स की स्पीड वाला गियर बॉक्स यहाँ पे प्रदान करती है, जो कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। जो मेन ट्रांसमिशन दिया गया है फुल्ली कॉन्स्टमस ट्रांसमिशन के साथ में जो ट्रैक्टर आता है, भागते हुए ट्रैक्टर में आसानी से आप गियर बदल पाएंगे, किसी तरह की उलझन का समस्या आपको नहीं देखने को मिलती। आप चेक कर सकते हैं ट्रैक्टर के अंदर किसी तरह की जो उलझन है इसमें आपको नहीं देखने को मिले, बिल्कुल मक्खन तरीके से इसका जो गियर है आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसे ट्रैक्टर के अंदर जो क्लच दी गई है, डुअल क्लच के साथ में जो है ट्रैक्टर आता है, यानी एक ही पेडल के अंदर आपको दो क्लच देखने को मिल जाती है। प्लस जो पीटीओ की स्पीड है इसमें आपको चेक कर सकते हैं, लाइव पीटीओ की स्पीड इस सेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। प्लस 540 आरपीएम की जो स्पीड है सेक्टर के अंदर आप ऑपरेट करके जो है चला सकते हैं। उसके बाद किसान साथियों बात आती है इसके हाइड्रोलिक के कंट्रोल की, तो फुल्ली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में डिजाइन किए गए हैं, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा समस्या आपको नहीं आने वाली है। उसके अलावा जो मेन गियर है 5 स्पीड का देखने को मिल जाता है, यानी लो में इसमें आपको 5 स्पीड, हाई में 5 स्पीड, प्लस रिवर्स गियर में भी आपको 5 स्पीड जो है देखने को मिल जाती है। उसके बाद किसान साथियों बात आती है ट्रैक्टर के पीटीओ पावर प्लस एसएफसी की, तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो मैक्स पीटीओ पावर आप चेक कर सकते हैं 39.56 एचपी की देखने को मिल जाती है। और जो एसएफसी है एक एचपी बनाने में एक घंटे में ये ट्रैक्टर जो है 183 ग्राम यहाँ पे डीजल लेता है। उसके बाद किसान साथियों रियर एक्सल हाइड्रोलिक की बात करी जाए, तो ये आप चेक कर सकते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर आपको कंपनी जो है 2000 किलो की कैपेसिटी के साथ में फुली ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में हाइड्रोलिक प्रदान करती है, जो कि टोपलिन के 3 सेंसिंग पॉइंट के साथ में आता है। उसके अलावा जो रियर एक्सल दिया गया है स्ट्रेट टाइप का आपको देखने को मिलेगा, क्राउन पिनियन की गिरारी के साथ में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्राउन पिनियन की जो गिरारियाँ हैं साइड में आपको किस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। और ट्रैक्टर के अंदर जो ब्रेक दिए गए हैं तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आता है, उसकी असेंबली आपको साइड में देखने को मिल जाती है। उसके बाद किसान साथियों उसे ट्रैक्टर के अंदर कंपनी जो है रिमोट वाल्व का एक एडिशनल फीचर प्रदान करती है, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग अपनी जरूरत के हिसाब से ऑपरेट करके इसको आसानी से जो आप चला सकते हैं। उसके अलावा किसान साथियों जो रियर टेल लैंप दी गई है एलईडी लाइट के साथ में आपको देखने को मिल जाती है, जो कि दिखने में काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पे लगती है। उसके साथ साथ में जो हाइड्रोलिक की लिंकें दी गई हैं आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी हैवी क्वालिटी के साथ में आपको देखने को मिल जाती है। और जो स्टेबलाइजर दिया गया है टेलीस्कोपिक स्टेबलाइजर के साथ में ही ट्रैक्टर जो है आता है। उसके अलावा रोड की सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर दिया गया है, जो कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहने वाला है। उसके अलावा किसान साथी उस ट्रैक्टर के टायर साइज की बात कर जाए, तो सबसे पहले रियर टायर साइज आप चेक करें, यहाँ पे 13/6/28 का रियर टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है। जो फ्रंट टायर साइज है उसकी अगर बात करी जाए तो आप चेक कर सकते हैं 6/16 के साइज में इसका जो फ्रंट टायर साइज है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा किसान साथियों ये जो ट्रैक्टर है 43 हॉर्स पावर की फुल पावर के साथ में आता है, टॉर्क भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर के साथ में आप आसानी से जो है रोटावेटर चला सकते हैं, सुपर सीटर चला सकते हैं, काफ़ी उपयोगी जो है इम्प्लीमेंट इस ट्रैक्टर के साथ में जोड़ के आप चला सकते हैं। उसके अलावा किसान साथियों अगर हरियाणा के झज्जर ज़िले में इस ट्रैक्टर को आप खरीदना चाह रहे हैं तो सोम एग्रोटेक कंपनी के यहाँ पे डीलरशिप आपको देखने को मिल जाता है। किसी भी प्रकार का सोली से जुड़ा ट्रैक्टर आपको लेना है तो इनसे संपर्क करके आसानी से आप खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ में इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी भरी कीमत अगर आपको लेनी है तो ट्रैक्टर जंक्शन की वेबसाइट पर आसानी से आप विजिट कर सकते हैं। प्लस ट्रैक्टर जंक्शन का जो मेन एप्लीकेशन है वो भी आसानी से जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा किसान साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।